आर्टिकल 370 की होगी वापसी। पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। पीएम मोदी की विपक्ष को दो टूक। 11 दिसंबर 2023 वह तारीख जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए सरकार के निर्णय को बरकरार रखा। सरकार के पक्ष में फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बयान देते हुए फैसले का स्वागत किया था, साथ ही मामले को लेकर एक लेख भी लिखा था। इस बीच पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर विपक्षी दलों को फिर करारा जवाब दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में मामले को लेकर कहा है कि अब ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती है। पीएम ने इंटरव्यू के दौरान मामले को लेकर कहा, ब्रह्मांड की कोई ताकत अब 370 की वापसी नहीं करा सकती है, लिहाजा सकारात्मक काम में लगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक देश एक कानून का जिक्र करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर अपनी मुहर लगा दी है कि एक देश में किसी तरह से दो विधान नहीं चल सकते हैं। अनुच्छेद 370 का हटना किसी राजनीति से ज्यादा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए बहुत जरूरी था। अनुच्छेद 370 का हटना लोगों के विकास, उनके जीवन की सुगमता के लिए आवश्यक था। इसे कुछ परिवारवादियों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण मुट्ठी में बंद कर लिया था। जम्मू कश्मीर का आम जन ना तो किसी की स्वार्थ भरी राजनीति का हिस्सा है और ना ही बनना चाहता है। वो अतीत की परेशानियों से निकलकर देश के हर नागरिक की तरह बिना भेदभाव के अपने बच्चों का भविष्य और अपना वर्तमान सुरक्षित करना चाहता है। साथ ही पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं और पर्यटन पर भी बात की और लद्दाख को लेकर भी बयान दिया। पीएम ने कहा, अनुच्छेद 370 के बाद आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की सूरत बदल चुकी है। अब वहां पर सिनेमा हॉल चल रहे हैं, वहां पर टेररिस्ट नहीं अब टूरिस्ट का मेला है। अब वहां पर पत्थरबाजी नहीं होती बल्कि फिल्मों की शूटिंग हो रही है। आम कश्मीरी परिवार इसे पसंद भी कर रहा है। आज भी राजनीतिक स्वार्थ में जो लोग अनुच्छेद 370 को लेकर भ्रम फैला रहे हैं उन्हें मैं दो टूक कहूंगा, अब ब्रह्मांड की कोई शक्ति अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती। बता दें कि 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने आर्टिकल 370 को लेकर एक मत से निर्णय देते हुए सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। तब मामले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी। महबूबा मुफ्ती ने फैसले पर चिंता जताई थी और फैसले को देश की हार बताया था। वहीं कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने और पूर्ण राज्य के दर्जे की वापसी की मांग की थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।